हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर और इंस्पेक्टर पोस्ट की जो वैकेंसीज हैं 2022 के लिए वो आपके सामने हैं। 2023 के लिए भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो 2023 के अंदर यहां से काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में बात करने वाले हैं कि आपको अगर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर बनना है तो आपके 2022 के अंदर कितने मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए और कितना कंप्यूटर के अंदर नंबर होना चाहिए, तब आप लोगों को यहाँ पर जो है पोस्ट आपको एक मिल जाएगी। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। जल्दी से आप लोग पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसी हैं, UR के अंदर आपकी 210 वैकेंसीज हैं, ST की जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 50 वैकेंसी, उसके बाद आपकी SC की 24 वैकेंसी हैं और उसके बाद आपकी यहाँ पर 124 वैकेंसी OBC की, और उसके बाद EWS की आपकी 42 वैकेंसी। टोटल आपकी यहाँ पर 450 वैकेंसीज हैं। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर की आपको वैकेंसी बताई गई 63, 20, 12, 72, 53 और ये 220 वैकेंसी आपकी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी जो बताई गई है एग्जामिनर की, इंस्पेक्टर की, वो 231, 94, 43, 164, टोटल आपकी 614 वैकेंसी होगी। उसके बाद आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी है यहाँ पर 56, 12, 10 और उसके बाद 14, 6, ये हैं आपकी 98 और टोटल इनका करते हैं तो आपको टोटल आपकी यहाँ पर 1382 वैकेंसीज हैं। अब 2023 के अंदर पहले आप लोग देख लीजिए और इसके बारे में हमको आपको बताने वाले हैं कि कितने नंबर आपको यहाँ पर बनना चाहिए। सिर्फ आपकी जो UR की वैकेंसीज हैं, यहाँ पर जो UR की वैकेंसीज हैं, ये जो आपके लिए जो वैकेंसीज यहाँ पर बताई जा रही हैं, ये हैं आपकी इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स और आपकी यहाँ पर GST इंस्पेक्टर की, तो ये उसकी वैकेंसी यहाँ पर आपको सिर्फ बताई जा रही है। और इसका जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसकी टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की साइड में टोटल यहाँ पर नहीं दिया गया है हालांकि, और आपको ये सही से और मिल जाएगी, PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाएगी। ये है आपकी 799 टोटल पोस्ट आपकी है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर OBC की करते हैं तो 13, 17, 30, 50, 56, 15 और फिर यहाँ पर 76 और 14। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज सारी की सारी दी गई है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो अभी तक जो रिपोर्ट हुई है वो आपकी यहाँ पर हो चुकी है, 1499 जो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं सिर्फ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आपकी GST और इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, ये कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी, 2-3 दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर आप लोगों को काफ़ी डिटेल में मैंने समझाया था। अभी सिर्फ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए अगर बात करते हैं तो आप वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट के अंदर जो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है उसके अंदर देख लेना कि आपका जो जो डिपार्टमेंट है, जो आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है या फिर आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर है, वो किस ग्रेड पे में आ रहा है। उसके अंदर ग्रेड पे भी सारा दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4200 ग्रेड पे के लिए के अंदर आ रहा होगा या फिर वो 4600 के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, तो 4200 के अंदर आपका जो, अगर आप UR से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 318 नंबर होना चाहिए, तो आप सेफ हैं। ठीक है, ये कट ऑफ नहीं है, मतलब इस तरह से ये मत समझना कि ये आपकी ये फाइनल कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अगर इतने नंबर आपके बन रहे तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद OBC के हैं तो 303 नंबर आपके होने चाहिए, है ना, तो सेफ हैं आप यहाँ पर 308, 296 और 290। ठीक है, उसके बाद 4600 के अंदर मैंने आपकी यहाँ पर आप लोगों को ये बताया नंबर, इतने नंबर हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपको यहाँ पर फाइनल जो आपका सिलेक्शन है ना वो भी इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ आपको बताई थी, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन पहले है या फिर नॉर्मलाइजेशन के बाद है, और नॉर्मलाइजेशन किस तरह से किया जाता है वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के अंदर बता रखी हैं, तो प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना, प्लेलिस्ट का जो लिंक है ऊपर आई बटन में दिया गया, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, उसके ऊपर काम चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर चेक करी जाती हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं आपके आपके जो एरिया है, आप मतलब जिस जोन में आप लोग लेना चाहते हैं उसके अंदर कितनी वैकेंसीज हैं, है ना, आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसीज, तो उस हिसाब से आपको उसको फिल करना पड़ता है, जिससे कि आपकी जो, मान लो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि आपकी ड्रीम पोस्ट तो आपको मिल गई लेकिन आपका ड्रीम जोन नहीं मिला, पता पड़ा कि आप लोगों को कानपुर लेना था या लखनऊ लेना था और आपका मिल गया साउथ में किधर भी, तो वो दिक्कत ना हो, उस चीज़ को फिल कैसे करना है, जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए आने वाला है, उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाएगी, तो उसको भी एक बार ज्वाइन कर लेना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सीजीएल 2023 के अंदर आपने देख लिया, सीजीएल 2022 से काफ़ी सारी वैकेंसी ज़्यादा आने वाली है इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।